गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज लेसन 11 हम पढ़ रहे हैं द जर्नी ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी जी की यात्रा। ठीक है ना, इसमें लिखा है देखो थोड़ा सा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही कहा जाता है, ध्यान रखे रहना। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर, यहाँ नीचे तस्वीर दी गई है, इसमें तुम लोगों को पहचानना है। जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, और ये जानते नहीं हो महात्मा गांधी है। ठीक है ना, इंडियंस वर इल्ट्रेटेड एंड डिस्पाइस्ड, इंडियंस वर इल्ट्रेटेड, भारतीयों को घृणा और नफरत की नजर से देखा जाता था। इंडियंस वर इल्ट्रेटेड एंड डिस्पाइस्ड, भारतीयों को घृणा और नफरत की नजर से देखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका दे हैड नो राइट्स, दक्षिण अफ्रीका में उनका कोई राइट्स माने अधिकार, कोई अधिकार नहीं था। इवन द एजुकेटेड अमंग देम कुड नॉट मिक्स विद साउथ अफ्रीकन यूरोपियंस, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी अफ्रीकन और यूरोपियन से मिक्स मिश्रित नहीं होते थे। इट सीम्स दियर ब्राउन कलर वाज अ मार्क ऑफ इंसल्ट, ऐसा लगता था कि उनका ब्राउन कलर बेज्जती का प्रतीक था। मोस्ट ऑफ देम वर कॉल्ड गांधी जी कुली बैरिस्टर, कई लोग उन्हें कुली बैरिस्टर, गांधी जी को कुली बैरिस्टर कहकर बुलाते थे। ठीक है ना, ही ब्राउन कलर मतलब गोरा रंग। हियरिंग दीज वर्ड्स गांधी जी वाज पेन ग्रेटली, ये शब्द सुनकर, इन शब्दों को सुनकर गांधी जी को बहुत कष्ट होता। गांधी जी एक्सपीरियंस वेरी सून दैट दिस मीन्स मेंट इन पार्टिकल लाइफ, गांधी जी को यह एहसास हुआ कि यह पार्टिकल लाइफ यानी जीवन का एक कण है। अनुभव एक्सपी, ठीक है ना, अनुभव हुआ कि यह जीवन का एक कण है। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई ट्रेन टू प्रिटोरिया, वो ट्रेन से प्रिटोरिया की यात्रा पर थे। ही हैड बॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट एंड वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा और प्रथम श्रेणी के डिब्बे पर बैठ गए। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट अ स्टेशन, जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, अ यूरोपियन पैसेंजर केम, एक यूरोपीय यात्री आया। सीइंग अ ब्लैक मैन इनसाइड, एक काले व्यक्ति को अंदर देखकर, ही कंप्लेंट टू द रेलवे ऑफिसर्स अबाउट इट, उसने रेलवे के अधिकारियों से इसके बारे में शिकायत किया। दे आस्क गांधी जी टू लीव द कंपार्टमेंट एंड सजेस्ट हिम ट्रेवल इन द लगेज वैन, उन्होंने गांधी जी को सलाह दिया कि वे इस डिब्बे को छोड़ दें और लगेज वैन में यात्रा करें। गांधी जी से, गांधी जी ने कहा, बट आई हैव बॉट अ फर्स्ट क्लास टिकट, लेकिन मैंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा। सून अ पुलिसमैन कॉट हिम एंड पुश्ड हिम आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, शीघ्र ही एक पुलिस वाला आया, उसने गांधी जी को पकड़ा और बाहर ट्रेन के बाहर धक्का दे दिया। इट वॉज 9 PM या 9 बजे का समय था, रात में 9 बजे का समय था, एंड वेरी कोल्ड नाइट, और बहुत ठंड की रात थी। ऑल नाइट ही वॉज थंडरिंग इन द वेटिंग रूम, पूरी रात वे वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षा कक्ष में कांपते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह गांधी जी ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन टू चार्ल्स टाउन, वेयर ही परचेज अ स्टेज कोच टिकट फॉर जोहान्सबर्ग, अगली सुबह गांधी जी ने एक चार्ल्स टाउन के लिए
ट्रैवल किया, यात्रा किया और उन्होंने जोहान्सबर्ग के लिए एक स्टेज कोच का टिकट खरीदा। ही वाज आस्क्ड टू सिट बाय द कोच बॉक्स, उन्हें कोच बॉक्स में बैठने के लिए कहा गया। फॉर द सेक ऑफ पीस, शांति के लिए, ही डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया। एट अ वे साइड स्टॉप, हाउ एवर, अ वाइट मैन रूडली ऑर्डर गांधी जी टू गिव हिम हिज सीट एंड टू ऑक्यूपाई सीट, द फूड बोर्ड विच साइज वाज कवर्ड विद अ डर्टी पीस ऑफ क्लॉथ। एट अ वे साइड, रास्ते में एक वाइट मैन अंग्रेज रूडली अशिष्टता से गांधी जी को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि वह अपनी सीट उसे दे दें एंड इंस्टीट टू फूड बोर्ड, और नीचे फर्श पर बैठ जाएं जहां धूल और गंदगी से भरा हुआ एक कपड़ा ढका था। गांधी जी डिड नॉट मूव, गांधी जी नहीं हिले, एंड सो द एंग्री मैन वाइट मैन काट हिम आर्म एंड ट्राइड टू पुल हिम डाउन। इसलिए वह अंग्रेज बहुत नाराज हुआ और उनकी बाँह को पकड़कर उन्हें बाहर धकेलने का प्रयास किया। एट द सेम टाइम ही वाज डीलिंग हिम एज बारबरस ब्लूज, उस समय क्रूरता, बारबरस माने होता है क्रूरता, वो क्रूरता से पेश आ रहा था। इट वाज एन अगली स्किन, यह एक अगली यानी गंदा क्रूर दृश्य था। फॉर्चुनेटली द अदर के सौभाग्य से दूसरे लोग आए टू हिज रेस्क्यू, उन्हें बचाने के लिए। एंड ही वाज अलाउड टू कीप हिज सीट एंड कंटिन्यू अनडिस्टर्बेड, और उन्होंने अपनी सीट उसे दे दिया और वो लगातार अनडिस्टर्ब रहे। ठीक है ना, अनडिस्टर्ब मतलब असंवितरित यानी परेशान रहे। थस गांधी जी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द सफरिंग ऑफ हिज पीपल इन साउथ अफ्रीका, इस प्रकार गांधी जी ने निर्णय लिया कि उन अपने लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पीड़ित अपने लोगों को वो इससे मुक्ति यानी छुटकारा दिलाएंगे। व्हेन ही रीच प्रिटोरिया, जब वो प्रिटोरिया पहुँचे, ही हैड अ मीटिंग ऑफ इंडियंस, उन्होंने भारतीयों की एक मीटिंग सभा बुलाई। हिज आइडिया वाज टू यूनिट देम, उनका विचार था कि सबको यूनिट करना, एकत्रित करना, संगठित करना। फॉर सेपरेटली दे कुड इजली बी बिल्ड बाय द वाइट मैन, ताकि वे वाइट मैन अंग्रेजों से इसका मुकाबला कर सके। ठीक है ना, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट, उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप, अ मीटिंग ऑफ ऑल इंडियंस वाज हेल्ड एंड गांधी जी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। अ मीटिंग ऑफ ऑल पूरे भारतीयों की एक सभा बुलाई गई और गांधी जी ने पब्लिक स्पेस में लोगों के बीच में एक अपना पहला भाषण दिया। ही स्पोक अबाउट द नीड ऑफ यूनिटी, उन्होंने बताया कि एकता की जरूरत है। बट ही आल्सो पॉइंटेड आउट हाउ नेसेसरी इट वॉज टू बी ट्रूथफुल इन बिजनेस एंड टू लिव इन अ क्लीन हाइजेनिक मैनर, और उन्होंने यह भी बताया कि इसमें ट्रूथफुल यानी सत्यता, ठीक है ना, सत्य की कितनी जरूरत है, और टू लिव इन अ क्लीन हाइजेनिक मैनर, और हाइजेनिक मैनर से क्लीन मतलब साफ स्वच्छ हाइजेनिक मैनर से रहना चाहिए। ठीक है ना, उन्होंने बताया कि क्लीन और हाइजेनिक,
हाइजेनिक मतलब स्वच्छ। ही सजेस्टेड टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू वर्क फॉर दियर ओन गुड एंड टू रिमूव हिज हार्डशिप फ्रॉम विच दे वर सफरिंग। ही सजेस्टेड टू फॉर्म एन एसोसिएशन, उन्होंने सजेस्ट सलाह दिया कि एक एसोसिएशन का यानी संगठन बनाएं, एंड टू वर्क फॉर दियर ओन गुड, और अपनी अच्छाई के लिए कार्य करें, एंड टू रिमूव द हार्डशिप फ्रॉम विच दे वर, और अपनी कठिनाई को दूर करें जिससे वो पीड़ित हैं। गांधी जी हैड अराइव्ड टू साउथ अफ्रीका फॉर 1 ईयर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे और वहाँ 1 वर्ष तक रहे। बट एज हिज सर्विस वर नीडेड देयर, जब तक वहाँ उनकी सेवा की जरूरत रही, ही स्टेड ऑन फॉर 3 ईयर्स, और वे वहाँ 3 वर्षों तक रुक गए। यानी गांधी जी वहाँ 1 साल के लिए रुकने के लिए गए थे, लेकिन उनकी सेवा की जरूरत के कारण वे 3 वर्षों तक वहाँ रुक गए। ही हैड मैनी इंडियंस इन दियर कोर्ट केस, वहाँ पर उन्होंने कई भारतीयों के उनके कोर्ट केस में भी मदद किए। वन फेमस केस वाज दैट ऑफ आ बार्की बाला सुंदरम। एक मुख्य केस वहाँ था बार्की बाला सुंदरम का, हु हैड बीन सेवरली बीटन बाय हिज यूरोपियन एम्प्लॉयर, जो कई बार जिन्हें उनके यूरोपियन एम्प्लॉयर ने बुरी तरह से पीटा था। इन 1896 ही केम बैक टू इंडिया टू मेक अवे हिज फैमिली एंड टू स्प्रेड द न्यूज ऑफ द माइजरीज स्टफ इन सफर्ड बाई इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। 1896 में वो वापस आए, भारत वापस आए अपने परिवार के साथ, एंड स्प्रेड द न्यूज, और उन्होंने यह समाचार फैलाया कि भारतीय दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से कष्टों से पीड़ित हैं। इन दिसंबर 1896 ही गॉट अ टेलीग्राम टू रिटर्न टू डरबन एट वंस। दिसंबर 1896 को उन्हें एक टेलीग्राम मिला कि उन्हें फिर से डरबन वापस आना पड़ेगा। गांधी जी वेंट बैक विथ हिज वाइफ, गांधी जी अपनी पत्नी के साथ वापस गए, 2 सन्स एंड अ नेफ्यू, 2 बेटे और 1 भतीजे के साथ। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज स्पीचेस इन इंडिया द वाइट मैन बिकम फ्यूरियस, उनके भाषण की समाचार को सुनकर के वाइट मैन यानी अंग्रेज बहुत क्रोधित हुए। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लैंडिंग, वे उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किए। द टू शिप्स इन विच ही हैड 800 अदर इंडियंस हैड अराइव्ड वेयर केप्ट वेटिंग इन द हार्बर फॉर 20 डेज। 2 जहाज जिसमें 800 भारतीय लोग भी वहां पहुंचने वाले थे, उसे 25 दिनों तक इंतजार बंदरगाह पर, हार्बर मतलब बंदरगाह पर इंतजार करना पड़ा। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी द आनर्स, दादा अब्दुल्ला और एंड कंपनी आनर्स वर आस्क्ड टू सेंड देम बैक, उनसे कहा गया कि उन्हें वापस भेज दिया जाए। बट दे डिड नॉट एग्री, लेकिन वे सहमत नहीं थे। व्हेन दे वर परमिटेड टू लैंड, जब उन्हें लैंड उतरने के लिए का आदेश मिला, दे वर गिवन थ्रेट ऑफ वायलेंस, उन्होंने अहिंसा के साथ व्यवहार किया। गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड टू वेट अंटिल डार्क, गांधी जी ने निवेदन किया कि जब तक अंधेरा ना हो तब तक इंतजार करें। ही रिफ्यूज टू ह्यूमिलिएट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद अपमानित, ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित, अपमानित करने से मना कर दिया, ठीक है ना। विनम्रता के साथ पेश आए। थस विद अ यूरोपियन लॉयर फ्रेंड ही स्टेड ऑन शोर इन डे लाइट, इस तरह से यूरोपियन लॉयर एक मित्र ने उनका डे लाइट तक, दिन के प्रकाश तक वहीं पर रुकने का इंतजाम किया। इमीडिएटली दे वर स्ट्रबल, शीघ्र ही वो कष्ट में आ गए, मुसीबत में आ गए। सम बॉयज थ्रू स्टोन एट हिम बट दे वर ड्राइविंग अभी, कुछ बच्चों ने उन पर पत्थर फेंके लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिए। As they walked on crowd gathered and followed them, जब वो भीड़ में, एकत्रित भीड़ में जा रहे थे
और उनके पीछे लोग आ रहे थे। सडनली अ बिग रक में अचानक एक अशिष्ट व्यक्ति ने हिट गांधी जी ऑन द फेस एंड किक्ड हिम, उनके चेहरे पर मारा और उनको लात मारी। अदर स्टोन्स दूसरों ने पत्थर फेंका एट हिम उन पर एंड टोर ऑफ हिज टर्बन और उनकी पगड़ी को फाड़ दिया। गांधी जी बस बाउंडेड एंड अनकंसीसियस, गांधी जी को चोट लगी और वो अचेतन हो गए। गांधी जी हेड ऑन द रेलिंग ऑफ अ हाउस ऑफ फॉर सपोर्ट, गांधी जी ने सहारे के लिए एक रेलिंग पकड़ी एंड आफ्टर सम टाइम कंटिन्यूड वॉकिंग और कुछ समय पश्चात वो लगातार चलने लगे। द पुलिस सुपरिटेंडेंट वाज आल्सो गोइंग दैट वे, पुलिस सुपरिटेंडेंट की वाइफ यानी पत्नी भी उसी रास्ते से जा रही थी। शी न्यू गांधी जी वेल, उसने गांधी जी का हाल चाल जाना। शी ब्रेवली ओपेंड हर पार्सल टू प्रोटेक्ट हिम, उसने अपना पार्सल उन्हें सुरक्षित करने के लिए खोला। बोथ ऑफ देम देम वॉक डाउन, दोनों चले गए। दे रीच द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। फ्रॉम देयर ही वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस, इसके बाद वहां से वो एक दोस्त के घर पहुंचे। विदाउट फर्दर ट्रबल, बिना किसी मुसीबत के। रियली ही वाज द फादर ऑफ नेशन, वास्तव में वो राष्ट्रपिता थे। ठीक है ना, क्या थे? राष्ट्रपिता थे। ठीक है बच्चों, लेसन खत्म हो गया, तुम लोग पढ़ते रहना। धन्यवाद। नेक्स्ट भाग में इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे।